अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम और आप देख रहे हैं असील नवाबी यूट्यूब चैनल। तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बर्ड्स हमारे परिंदे पट्ठे जो होते हैं उनके पोट बंद हो जाते हैं तो उसकी रीज़न क्या है। असल में रीज़न अगर देखी जाए तो रीज़न इसकी ये बनती है कि जब जो घास लंबी लंबी सी घास होती है वो हमारे बर्ड्स खाते हैं या पालक के जो तंदे होती हैं वो हमारे बर्ड्स अगर पोट में ले जाते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जो हज़म ना हो सके इस तरह की चीज़ अगर हमारे बर्ड्स खा जाते हैं तो उसकी वजह से पोट हमारे मुर्गे का या बर्ड्स का परिंदे का जाम हो जाता है, तो उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही जानलेवा एक बीमारी समझ सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए। तो ये अगर हो जाए तो बहुत ही ज़रूरी है आपको इसका इलाज करना। तो असल में ये पोट जाम आपके बर्ड्स का होगा ही नहीं अगर आप एक काम करते हैं। तो आपको मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि ग्रिट लाजमी से इस्तेमाल करें। ग्रिट जो कि पत्थर होते हैं, बारीक बारीक सी कंकरियाँ होती हैं जो आप अपने बर्ड्स को अगर खिलाएंगे तो उसके गिजट में जाके इस खुराक को वो हजम करने में उसकी मदद करता है, ठीक है ना। वो गिजट में उसको ग्राइंड करने में मदद करता है। जैसे कि इस तरह की चीज़ें अगर हमारे परिंदे खा भी लेते हैं तो उसको हजम करने में ये ग्रिट जो है ना वो बहुत ही हेल्प करती है। मतलब कि उसको ऐसे कुचल देती है कि वो खुराक खुद ही हजम हो जाती है, क्योंकि ये परिंदे जो होते हैं इनके दांत तो होते नहीं है, ये ऐसे ही खुराक को अंदर ले जाते हैं, बाद में गिजट के अंदर इसको इस खुराक को हजम करने का प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। ये चीज़ें इनके हाजमे को बेहतर करती हैं, तो अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो उनके पोट जाम होंगे ही नहीं इंशाल्लाह। अगर हो चुके हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपके बर्ड्स के पोट जाम हो चुके हैं तो उसका इलाज आपने किस तरह से करना है, तो उसका इलाज बेस्ट ये है कि अंग्रेज़ी इलाज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देसी इलाज मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं, तो ये अंग्रेज़ी इलाज है मैं आपको बताने वाला हूँ। एक आपने स्की लेग्स के कतरे ले आने हैं घर में, जो कि मैं इधर आपको पिक्चर में शो करवा रहा हूँ। स्की लेग्स के कतरे आपने घर में ले आने हैं, 5 कतरे डेली आपने बर्ड्स को, पूरा अगर मुर्गा है ना 2 से 2.5 किलो का मुर्गा, उसको 5 कतरे आपने पिला देने हैं। अगर छोटा है तो उसको आपने 2 से 3 कतरे पिला रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने छोटा है तो 2 कतरे, अगर मतलब किलो 1.5 किलो का है तो आपने 3 कतरे, या फिर 2-2.5 किलो का है तो आपने 5 कतरे स्की लेग्स के आपने उसको पिलाने हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला इलाज। इसके बाद जो दूसरा इलाज है वो आपने ये करना है, सबसे पहला जो मैंने इलाज बताया ना वो बेस्ट है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा इलाज है सोडा मिट की, जो सादा गोली होती है, सादा गोलियाँ सोडा मिट की गोलियाँ आपने ले आनी है, मतलब कि 2 गोलियाँ आपने अपने बर्ड्स को खिलानी है। ऊपर से आपने क्या करना है कि गेविस्कॉन का सिरप आता है, गेविस्कॉन का सिरप, इसको आपने 1 cc सोडा मिट गोली 2 गोलियाँ खिलाने के बाद, अगर पूरा परिंदा है तो 2-2.5 किलो का पूरा परिंदा, 3 किलो का, ठीक है, इसको पूरे परिंदे को 2 गोलियाँ सोडा मिट की खिलाने के बाद, उसके बाद आपने ये वाला सिरप पिलाना है, ठीक है। 1 cc सिरप आपने सोडा मिट की गोलियों के बाद पिलाना है, ठीक है ना। तो ये पिलाकर इंशाल्लाह आप अपने बर्ड्स को छोड़ दें तो इंशाल्लाह उसके जो उसका जो पोट जाम है वो ठीक हो जाएगा। तो मेरे आपको जो रिकमेंडेशन है वो आप पहले वाला करें, स्की लेग्स का जो कतरे हैं वो पिलाएं, क्योंकि एक तो वो सिंपल सा इलाज है, आप वो कर भी लेंगे, और दूसरी बात ये कि अगर उससे ठीक नहीं होता तो फिर इस इलाज की तरफ जाएं। सोडा मिंट और जो सिरप मैंने आपको बताया ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स का पोट जो जाम होगा वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें। अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई लाजमी करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Thank you.